मैं आ चुकी हूँ जी बाहर। मैं आई हूँ टमाटर लेने और धनिया लेने, क्योंकि धनिया और टमाटर घर में ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैंने कहा मैं लेके आती हूँ जी दुकान से। अब दुआ ये है कि मिल जाए दोनों चीज़ें, मुझे किसी दूसरी शॉप पर ना जाना पड़े, क्योंकि ये दो चीज़ें होंगी तो तभी खाना बन पाएगा। बाद में घर जा कर जाना वो जो कुछ बनाना वो रखते हैं चूल्हे पर ताकि वो गल जाए, उसके बाद हम लोग जो है अपना काम करना शुरू करते हैं। अभी मैं आ गई हूँ जी शॉप पर, बच्चे बैठे हैं। एक और वापस दो दे 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 बस ये देखिए जी मैंने ले लिया धनिया भी और टमाटर भी। देखें कितने महंगे हो चुके हैं टमाटर, धनिया तो फिर चले दोबारा चल रहा है, टमाटर बहुत महंगा हो रहा है। साथ में ये एक पापड़ लिया मत पूरी, वो कह रहा था मुझे लेके दें, तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस। अभी मैं घर की तरफ वापस चल रही हूँ, क्योंकि प्याज देखे हैं जाकर फ्रीज देखा था उसमें टमाटर नहीं थे धनिया नहीं था, मैं क्या पहले वो पता करके लाते हैं बाद में जो है कुछ और करेंगे। बस अभी जो है ना मैं अपने प्याज वगैरह जो है ना वो काटने लगी हूँ, छीलने लगी हूँ, आप लोगों के साथ ये भी शेयर करें क्योंकि आज खाना बनाना है ना। तो मैं सबसे पहले प्याज वगैरह काट के रख लेते हैं, एक ही दफ़ा फिर अपना खाना करेंगे स्टार्ट, ठीक है जी, ताकि फिर आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगा हमारा ब्लॉग। यहाँ पर रखना पड़ रहा है मुझे उनको सपोर्ट देने के लिए, हर चीज़ नीचे ही जा रही है जी। बस अभी मैं कैमरा जो है ना अपना एडजस्ट कर रही हूँ, खिड़की में रख रही हूँ, रखने में प्याज और टमाटर वगैरह काटने हैं, छीलने हैं, सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि अहमद के बाबा ने बोला था कि आप मसाला वगैरह काट के तैयार रख लेना। तो मैं आते हुए अगर अल्लाह ताला ने दिहाड़ अच्छी लगा दी तो कुछ ना कुछ ले आऊँगा पकाने के लिए। तो अभी जो है ना जल्दी से हम लहसुन पहले छील लेते हैं, क्योंकि लहसुन जो है ना उसका काम ज़रा ज़्यादा होता है बड़े वाला, मतलब उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। बाकी चीज़ें जो है ना वो चलो आहिस्ता आहिस्ता छिलती जाएंगी, तो हम उसको छिलते जाएंगे। सबसे पहला है जो लहसुन छीलना, ठीक है। तो लहसुन जो है ना वो हम देखते हैं अब कैसे, पहले तो इसकी जो एक एक शाख है ना उसको अलहदा कर लेते हैं, तुरियाँ जिसको बोलते हैं तुरियाँ इसकी अलहदा कर लेते हैं ना, फिर उठा उठा जो है ना उसको सही करना शुरू कर देंगे। चुप, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं लहसुन लगी हूँ छीलने, ठीक है। ये हाथ से तो कुछ सही नहीं, छुरी से छीलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको जो छील रही हूँ छुरी के साथ, क्योंकि छुरी से जो बहुत आसानी से छीलने हो जाता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है सारा, हाँ। इसलिए अब हम जल्दी जल्दी लहसुन को छीलते हैं, छील के करते हैं साफ़ साफ़ करके जो है ना फिर इसको लेके चलते हैं जी आगे, और मसाला वगैरह सारा रेडी करके रख लेती हूँ। जैसे ही अहमद के बाबा आएँगे ना फिर कुछ ना कुछ पकाने के लिए लेके आएंगे, तो जल्दी से मसाला भुनेंगे, जो हर चीज़ कटी हो ना तो फिर भुनने में आसानी होती है। फिर सब जो चीज़ लेके आएंगे उसी को काट के सही करना है ना, बाकी हर चीज़ तो बिल्कुल सही होगी। ये भी मैं जो ना लहसुन वगैरह जो है ना उसको काट रही हूँ, और वो देखेंगे मेरा कबूतर जो है ना वो बैठा हुआ ऊपर टेबल के ऊपर, क्यों नीचे इनको खाने नहीं देते, इसलिए ये सारे ऊपर जा खा लेते हैं। मुर्गे मैंने कुछ बंद कर लिए थे,
अब आप लोगों ने बताना कि आपको जो है ना मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, ये रूटीन ठीक जा रही है या कौन सी रूटीन आपको अच्छी लगी है, अब आपने बताना है। अभी शाम के खाने की तैयारी के लिए मैं बैठी हुई हूँ, मसाला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उधर से बादल भी आ रहे हैं और अमन के बाबा जो हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, पता नहीं कुछ लेके आएंगे अभी के नहीं लेके आएंगे सब। अब 3 का टाइम बज चुके और बादल इतना गहरा आ रहा है बन के, किसी भी वक्त भी बारिश जो है ना वो आती होगी। मेरा तो दिल था कि जितनी जल्दी हो सके ना वो आ जाए जो कुछ भी बनाना है वो वाला सामान, ताकि फिर जो है ना वो टाइम से अपना खाना वाना बंदा बना ले आसानी से। लेकिन ये है कि अभी क्या कह सकते हैं, पहले काटते हैं ना, फिर इंतज़ार करते हैं, अगर कुछ ले आए तो ठीक है वरना जो 4 से खानी पड़ेगी रोटी और क्या। मैंने छत पे खड़े होके ना वो काना जो होता है ना उसके साथ ऊपर से दरवाजा खुला बंद कर दिया। सबसे छोटा काम है चल संभाल, ये हो जाए ना बाकी फिर जल्दी हो जाती है, जिसको मैं कर रही हूँ आपके सामने भी। हवा ठंडी चल तो रही है लेकिन बाहर बाहर ज़्यादा, हमारा घर है छोटा, यहाँ पे हवा जब बाहर तेज़ होती है फिर अंदर आती है ज़रा ठंडी, अभी बाहर हवा है हल्की अभी अंदर महसूस ही नहीं हो रही हवा कि ठंडी है भी है ना। कबूतर जो है ना बिल्कुल मेरे पास आया कि शायद मैं उसके लिए कुछ स्पेशल कर रही हूँ, लेकिन वो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, चल नीचे उतर जा। नहीं बच्चे लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ मसाले में, लहसुन अच्छा लगता है इसका टेस्ट मसाले में, मज़ा आता है इससे। वैसे तो पकाने वाला सामान इतना सा है लेकिन ये डाल दूँ साथ में क्योंकि लहसुन की स्मेल इसका अरोमा जो है ना जब सालन में मिक्स होता है ना बड़ा मज़ा आता है, लहसुन के बगैर तो पूरा सालन खाने वाला भी नहीं बनता, जिस सालन में लहसुन है ना वो मेरा तो दिल नहीं करता खाने का, बाकी का मुझे पता नहीं किस किस का दिल नहीं करता है कि जिस सालन में लहसुन ना हो वो खा लें। इनके लिए बचा के रखे हैं मैंने चावल, वो नीचे वाले तो और खा जाते हैं, ये जो है ये आगे ऊपर खा लेते हैं आराम से, ये बच्चा भी आ गया जिसका, ये लक्के कबूतर है यही अब मैंने रखे हैं, बाकी जो है ना वो दे दिए सब, ये लक्के रखे हैं दोनों, बाप बेटा खाना शुरू हो गया, पता नहीं बाप बेटा या बाप बेटी इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हैं खाना शुरू हो गया। दुपट्टा भी आज मेरा रेशमी है, ये कुछ अजीब से वाले कुछ रेशमी लग रहे हैं, इसमें तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लहसुन हो गया, अब बारी अदरक की, ये ईद पे लेके आई थी, ये लास्ट पीस रह गया अदरक का, सूख चुकी है बेचारी वैसे ही। अदरक भी चली गई, लहसुन भी हो गया, ये जो अदरक है ना ये छोटा सा बेसन हो गया, इसको डाल के देखते हैं खाता है कि नहीं खाता, उस तक तो पहुँचे नहीं बेचारे तक वो बारी गिर गई, छोटा चुटकू आया बस भागते हुए उसको देख के खाया उसने भी नहीं।
बारिशों का मौसम है और प्याजों का भी कबार नहीं है देखें, अब ये गला हुआ कुछ नहीं मिला हमें। बाहर से तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ज़बरदस्त, अंदर से देखिए किस तरह का निकला। जहाँ से ख़राब है वहाँ से उतार देंगे, बाद में इस्तेमाल करते वक्त धो के फिर करेंगे हम इस्तेमाल। ठीक है जी, छिलके वगैरह मैंने उतार दिए हैं, ये भी उतार दिए। ये लो जी, किसी ने खाना है ये। जो मेरे चूज़े हैं ना उनके लिए मैं छोटे छोटे करके डाल दूँ, जो ख़राब है वो तो खा ही सकते हैं। प्याज के छिलके इनको मैंने डाल दी, एक प्याज जो है वो काट लेते हैं क्योंकि वो ख़राब होने गया, थोड़ा छोटा निकला है, अब हम दूसरे को निकालते हैं थोड़ा। ये भी दूसरा प्याज बन रहा था जिसके साथ भी था। थोड़ा सा फेंकेंगे नीचे, ये अंदर से थोड़ा सा गला हुआ और जिस एरिए में गला हुआ उस एरिए में हम निकाल देते हैं ताकि वो साफ़ हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे। इसके अंदर वो जो होती है सूखी हुई जेल सी वो हम निकाल देंगे ताकि हम यहाँ पर रखेंगे। मेरा प्याज 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 मेरा प्याज 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 है ना। आप लोग बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, क्यों व्यूवर्स अच्छा लगा तो भी बताइएगा, ना अच्छा लगा तो भी बताइएगा, कोई ऐसी बात नहीं है रोकने वाली। अभी छिलके काट देते हैं हम साइड पे और प्याजों को काट लेते हैं अभी छोटा छोटा। ये दिया एक साइड पे एक्स्ट्रा उसका पीस, बहुत बारीक बारीक काट रही हूँ मैं, आगे इनको मेल्ट होने में आसानी हो जाए। जब सालन में मेल्ट हुए होते हैं ना ग्रेवी बनती है फिर ही अच्छा लगता है, सालन खड़े खड़े तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही वो ग्रेवी बनती है खड़े की वजह से। तो मेरा पापड़ भी बड़ा, पापड़ है मैं जो अपना ले गया जो मेरा वो बड़ा हुआ। बहुत प्यारा ऊपर से मौसम बनना है जी, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया। दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी और हवस थी, आज मैं हमें दिन के वक्त आटा लेने गए हैं तो वापसी भी हमारा बुरा हाल था गर्मी से, और जब वापस आए तो अभी लाइट भी नहीं थी, वो फल्ला फिर जो हमारी हालत हुई। हम उनके पापा देख के परेशान हो गए, तुम लोगों को क्या हुआ, मैं भाई बहुत सख्त गर्मी हुई। इतनी शदीद गर्मी हो फल्ला,
ये गर्मी, उफ़ ये गर्मी, क्या करें इस गर्मी का, ये गर्मी बहुत ज़्यादा गीला गीला है, इसलिए इसको मैं सुखा रही हूँ। सुखा के तो फिर इसको काटेंगे। चलो सूख गया जी, अब स्लिप नहीं होगा हाथ से, आसानी से काट जाएगा। मुझे टमाटर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। कच्ची सब्जियों में टमाटर जो है ना वो मेरा फेवरेट है, और सर्दियों में गोंगलू यानी कि शलजम, पंजाबी में गोंगलू, इसे जो फेवरेट चीज़ होती है उसको कौन छोड़ेगा। ये एक पीस और मैं खा रही हूँ। टमाटर बहुत बड़ा था इसलिए आधा मैंने काटा, आधा रख लिया क्योंकि सामान थोड़ा है। पूरा टमाटर फिर अच्छा नहीं लगा, इसमें जायके में फ़र्क आ जाए, खटास ज़्यादा आ जाती है सालन में। दोनों जा रहे हैं उड़ के, मैं खाने लगी चीजी। फर्स्ट टाइम ये वाला लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा तीखा है। ये मेरा सामान हो गया जी रेडी। ये अदरक, ये लहसुन, टमाटर, प्याज, ये प्याज एक्स्ट्रा है, इसको मैं रख, प्याज कह नहीं सॉरी टमाटर एक्स्ट्रा है, इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अभी आप लोगों के साथ करते हैं जी फिर से स्टार्ट। अगला जो काम करना है, जो खाना बिना रखना वो भी रखते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं अपना।